प्याज आपके ऊपर है कितनी डालना चाहते हैं। ये इतनी अच्छी लग रही है, मेरा ख्याल है मैं सारी डालूंगी क्योंकि इसमें इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। मीडियम से थोड़ी छोटी थी, फाइनली चॉप कर ली मैंने और इसमें किया मिक्स। और जी अब मेरे को ब्रेड मैंने रखी थी दूर क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कंपनी का नाम। भाई लोग कहते हैं राहत इसे दूर करो या इसे खोल के रखो, तो जनाब इसको मैंने पैकेट से इसलिए नहीं निकाला जो इसकी पैकिंग है, क्योंकि ये फिर ड्राई होने लग जाती है और फिर और ब्राउन ब्रेड जो है वो ज़रा टूटने लग जाती है। देखो टूटने लगी, थोड़ा सा मैं इसको टोस्ट करूँगी और उसके बाद बकिया काम होगा इसका। यहाँ पर मैंने सैंडविच को ग्रिल करना शुरू कर दिया, लेकिन आपके सामने सारा काम होगा। जो फिलिंग मैंने आपके लिए तैयार की थी मैंगो चटनी चीज़ बटर के साथ, ये जा रही है अब। अच्छा स्लाइस को मैंने एक ही साइड से किया है पैन में, ठीक है, ये साइड नहीं की है, सिर्फ एक साइड को किया है। और ये मैं अब स्लाइस में लगा रही हूँ, फिल कर रहे हैं हम इसको। अच्छा अगर आपके पास नहीं है ग्रिल पैन या नहीं करना चाहते तो यही काम आप फ्राइंग पैन में करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ इसमें। और आप कहेंगे नहीं खाए होंगे, मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस टाइप के सैंडविच या टोस्टीज जैसे मैंने इनको टोस्ट का नाम दिया है तो आपने बिल्कुल नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल से मैंने आप लोगों से कहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं और ये आपको कहा है कि आप ये चीज़ें बना के रखें, मैं इनसे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। तो जैसे मैंगो चटनी है तो इसके साथ मैंने आपको सिखा दिया है, और मैंगो चटनी से देखें और क्या क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं मेरे किचन में और यहाँ से आपके किचन में। देखें जी ये आना चाहिए ग्रिल मार्क, बहुत अच्छा है, अब जाके ज़रा गर्म हुआ है। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। अच्छा इसके अलावा मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारी सी इसके साथ कॉफ़ी, मज़ा आ जाएगा। कॉम्बिनेशन तो ऐसा है कि बस आप कहेंगे कि वाह राहत क्या क्या कॉम्बिनेशन बता देती हो, तो इतना मज़ा आएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। कॉफ़ी मैंने फेंट के रखी हुई है, पहले आप लोगों को सिखाई हुई है, ठीक है। तो ये कॉफ़ी मेरे पास है, देखिए मैंने फेंटू के साथ फेंट ली है, छोटा सा फेंटू है और इसके साथ मैंने फेंट ली है। अच्छा थोड़ी सी शुगर मैंने इसमें ऐड की हुई है, और आप चाहें तो डालें आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं ख़ुद से प्रेफर ये करती हूँ कि मैं कॉफ़ी को बिना चीनी के पीती हूँ, या सिर्फ इतनी डालती हूँ कि मुझे इसमें शुगर का टेस्ट आना चाहिए, सॉरी कॉफ़ी का, कॉफ़ी की जो बिटरनेस है वो मस्ट है, अगर वो नहीं है तो समझें कि कॉफ़ी नहीं है। और ये गर्म पानी है यहाँ पर जो मैं इसमें डाल रही हूँ, कॉफ़ी को बड़ा अच्छा फेंटना है आपने, और उसके बाद ये गर्म पानी जाएगा इसमें। देखें कितनी फ्रोदी कॉफ़ी है कि बस मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं इस पे डालूंगी क्रीम, फेंटी हुई क्रीम है, चाहें तो फेंट फेंट के डालें ज़्यादा अच्छा है, उससे ये होगा कि ये जो काम मैं करने जा रही हूँ तो वही काम होगा फेंटी हुई क्रीम से, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाएगा। पूरा डॉलप जो है वो डाल दूँगी मैं इसमें क्रीम का। ओह ब्यूटीफुल, अब जब आप इसके साथ पियेंगे और ये फ्रोद बनेगा फिर आप देखिएगा। अच्छा थोड़ा सा जो मैंने इतनी निकाल के रखी थी क्योंकि हाय हाय क्या ज़बरदस्त फ्रॉड आ रहा है इस पर, कुछ ना पूछें। सैंडविच, प्यारी सी कॉफ़ी। अच्छा अब मैं निकालूंगी पीच क्रम्बल को, देख लेते हैं भाई, क्योंकि एग्जैक्टली उतना टाइम तो उसको नहीं मिला जितना कि उसको मिलना चाहिए था, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स मिलने चाहिए, पर प्रोग्राम का टाइम जो है उस हिसाब से हमें काम करना है। ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा बेक हो गया है और बहुत ही संभाल के मुझे लाना है। मैं कितने जावा, मैं इतने आवा, बहुत ही डेलिकेट काम मैं कर रही थी इसको, तो मैं फिलहाल इधर निहायत 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 मज़ेदार चीज़ है। और इसकी खूबसूरती आप ये देखें कि ये जो है सारे जूसेस उसके, ओवन चल रहा है भाई मैं क्या करूँ, अभी टाइम नहीं है उसको बंद करने का। इसकी सूं जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इसको करूँगी मैं आइसक्रीम के साथ सर्व, और वेयर इज माई आइसक्रीम, क्या डोलप आइसक्रीम का बन के निकल रहा है ये देखें जी।
जनाब पीच क्रम्बल तैयार है, बिल्कुल निहायत लजीज, और उसके साथ बनी हुई है बहुत ही प्यारी सी कॉफी और सैंडविच। और इन सारी चीजों को बनाने के लिए आप सबको देखना होगा बहुत ही प्यारा सा रेसिपी कार्ड। और चेदर स्वीट चटनी टोस्ट बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए होगी ब्रेड स्लाइसेस, मैंने ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल की है, आपकी मर्जी है दोनों में से कुछ भी कर लें। मक्खन आपको 6 से 8 टेबलस्पून चाहिए होंगे, 6 बहुत काफ़ी होंगे। चेदर चीज़ आपको चाहिए होगा 1 कप ग्रेट किया हुआ। गार्लिक पाउडर 2 पिंचेस डाल दीजिए, बहुत काफ़ी है। नमक भी 1 से 2 पिंचेस डाल दीजिए। अनियन 1 चाहिए। और मैंगो चटनी जो मैंने आप सब लोगों को बनानी सिखाई है, 2 टेबलस्पून इसमें डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, पीच क्रम्बल बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे पीचेस 1 किलो, आड़ू 1 किलो, चीनी ऐसे तो हसबे ज़ायका लेकिन मैंने तकरीबन 1/4 प्याली डाली, प्लेन फ्लावर क्रम्बल बनाने के लिए चाहिए 1 प्याली, ब्राउन शुगर 1/2 प्याली, सिनेमन पाउडर 3/4 चाय का चमचा और मक्खन 1/3 प्याली। सब चीज़ें हो गई, बहुत ही प्यारी चीज़ें हो गई हैं, राहत के किचन में नज़र आ रहा होगा। और उसी आइसक्रीम के साथ सर्व किया जो मैंगो आइसक्रीम मैंने आप सब लोगों को बनानी सिखाई। आइसक्रीम भी घर की, सब कुछ घर का, और राहत भी आपकी। तो चलें जी, कल मिलेंगे आपसे बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ। क्या बनेगा ये सभी को पता है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा बनेगा। आपसे मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।